हेलो गाइस, आज मैं आपको वो सिंपल तरीका बताऊंगा ओपन चेंज पॉकेट क्लीन करने का। आपको चाहिए होगा एक मोटो जैक, पेडोक भी चलेगा। अभी मेरे पास मोटो जैक है, पेडोक नहीं है, तो चलिए इसी से स्टार्ट करते हैं। ये आपको ऑनलाइन अमेजोन पे मिल जाएगा। मोटो जैक के साथ एक स्ट्रिप्स मिलेगा, उसको आपको फ्रंट व्हील के ब्रेक पर लगा देना है, इस तरह से ब्रेक रिलीज नहीं होगा। अब हम रियर व्हील के स्विंग आर्म पे चेक लगा देंगे, इससे रियर टायर उठ जाएगा और हम अपना काम आसानी से कर पाएंगे। उसके बाद आपको चाहिए होगा एक चेन क्लीनर ब्रश और हमको एक स्प्रे बॉटल में डीजल भर लेना है और एक सूखा कपड़ा चाहिए होगा। डीजल को चेन पे अप्लाई करना शुरू कर देना है, अच्छे से अप्लाई करना है, टायर को घुमाते जाना है और थोड़ी देर के लिए ऐसे ही करते रहना है। इससे क्या होगा कि सारा जो मिट्टी विट्टी होगा वो पिघल जाएगा अच्छे से। उसके बाद चेन स्पॉकेट को रब करना है चेन क्लीनर ब्रश से, ऐसे करते रहना है थोड़ी देर के लिए। अपनी सेफ्टी के साथ काम करना है हमको, उंगलियां दूर रखनी है चेन स्पॉकेट से और अच्छे से ध्यान से काम करना है। और एक बात, आपके पास कौन सी भी बाइक हो जिसमें ओपन चेन पॉकेट आता है, उसको हर एक 500 एंड 600 किलोमीटर पे साफ कर लेना उसका चेन पॉकेट, इससे चेन की लाइफ बढ़ेगी। बाद में एक सूखा कपड़ा लेके उससे रब करते जाना है, इससे सारा कुछ सूख जाएगा अच्छे से और साफ हो जाएगा अच्छे तरीके से। चेन को कपड़े से साफ करने के बाद एक आध दो घंटे के लिए बाइक को ऐसे ही छोड़ देना है, उससे बाइक में जो डीजल होगा जो चेन पे वो उड़ जाएगा। उसके बाद अपन को ल्यूब करना है उसमें, उसके बाद हमको ल्यूब करना है। मेरे पास यामाहा का यामाहा ल्यूब है। तो गाइस, चेन क्लीनिंग हो गया, हम अच्छे से अभी ल्यूब्रिकेशन करना है, अपना ध्यान रख के करना है, टायर घुमाते जाना है, अच्छे से लुब्रिकेशन करना है। और ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया सारा कुछ 50-60 रुपये में हो जाएगा, और आप जो शोरूम पे करवाते हो ना उसमें क्या होगा 100-200 रुपये लगेगा और अच्छे से होगा भी नहीं आपका काम, तो ये अपने हाथ से ही। तो गाइस, ये था सारा प्रोसेस चेन क्लीनिंग के ऊपर। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे को सब्सक्राइब करो और लाइक करो वीडियो को।